सभी को जय मसीह के प्रियो, जीसस कॉर्ड्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम देखेंगे दाऊद की प्रार्थना के बारे में कि दाऊद परमेश्वर से किस तरह से प्रार्थना करते थे। तो आइए हम वचनों को देखें। तब दाऊद राजा भीतर जाके यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या कहे कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह मेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे की बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है, दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है कि तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास को जान ले। इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं और न तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इज़राइल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी नीच प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि वह अपना नाम करे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे। और तू अपनी प्रजा के सामने जिसे तूने मिस्र आदि जाति जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे। और तूने अपनी प्रजा इज़राइल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया, और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर है। अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है उसे सदा के लिए स्थिर कर और अपने कहने के अनुसार ही कर, और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करें कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल के ऊपर परमेश्वर है, और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे। क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घराना बनाए रखूंगा, इस कारण तेरे दास को तुझसे यह प्रार्थना करने का हियाब हुआ है। अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य हैं, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन में काम करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको जरूर दे। किसी एक के लिए आशीष का कारण बनने के लिए इस वीडियो को एक शेयर जरूर करें, ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।